स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस ऑनलाइन क्लासेस टूडे वी सोल्व क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सिक्स टिश्यू आज हम इसके क्वेश्चन आंसर क्यों सोल्व करेंगे चैप्टर सिक्स तो प्लान टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू है तो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज ए टिश्यू टिश्यू क्या है तो वैसे तो हम क्या बोलते हैं इसको ग्रुप ऑफ़ सेल्स बोलते हैं पर वो सेल्स क्या होनी चाहिए स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए सिमिलर होनी चाहिए और उनका जो फंक्शन है वो टगेदर होना चाहिए साथ साथ में होना चाहिए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स देट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज टर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एंड वर्क टास्क की जगह हम वर्क भी लिख सकते हैं फंक्शन भी लिख सकते हैं वॉट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें टिश्यूज की क्या यूटिलिटी है क्या यूजेज है तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन मूवमेंट एक्सक्रेशन डाइजेशन सिंगल सेल में एग्जांपल के लिए अम्बी उनमें क्या होती है सिंगल सेल ही होती है तो सारी सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है सिंगल सेल में बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है सेल्स आर ग्रुप टू फॉर्म टिश्यू टिश्यू का फॉर्मेशन करती है बहुत सारी सेल्स है वो ग्रुप बना के दिस टिश्यू आर स्पेसिफाइज टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर फंक्शन एट ए डिफिनाइट प्लेस इन द बॉडी फॉर एग्जाम्पल द मसल सेल फॉर मस्कुलर टिश्यू विच एलप्स इन मूवमेंट नर्वस सेल फॉर्म द नर्वस टिश्यू विच एल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ मेसेज दिस इज नाउन एज डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिविजन ऑफ लेबर दैट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्मी यानी यहाँ पर हम सीधी लैंग्वेज में समझे तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है वो तो सारे के सारे फंक्शन एक सेल के अंदर ही निपटा लेते हैं बट जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए स्पेसिफिक एक सेल्स का क्या बनाते हैं ग्रुप बनाते हैं और उसको हम बोलते हैं टिश्यू जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या देते हैं अंजाम देते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यू है वो मसल से बना है और बॉडी में क्या कराता है मूवमेंट कराता है नर्वस टिश्यू है जो क्या बना है Neurons से बना है और जो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है हमारी बॉडी में इसी टाइप से जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है तो अलग अलग जो टिश्यू है वो अलग अलग फंक्शन को करते हैं हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं तो इनका जो लेबर है जो इनका फंक्शन है वो क्या है डिवाइज है डिवाइड किया हुआ है यानी अलग अलग टिश्यू का अलग अलग फंक्शन है मल्टी मल्टीशेलूलर और नेक्स्ट क्वेश्चन नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू सिंपल टिश्यू के कौन कौन से टाइप है उनके तुम्हें नेम बताने हैं तो सिंपल टिश्यू है वो वन टाइप की सेल से बना होता है और इसके थ्री टाइप है मेनली कितने टाइप है थ्री टाइप है पेरेन कायमा कोलेन कायमा एंड स्कलरन कायमा पेरेन कायमा को हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं एरेन कायमा एंड क्लोरेन कायमा एरेन कायमा जो वाटर प्लांट है उनमें प्रजेंट होगा और क्लोरिन कायमा जो फोटोसिंथेसिस करेगी लीव्स उनमें ये प्रेजेंट होगा क्लोरेन कायमा और वैसे जो पेरेन कायमा टिश्यू का फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना और कोलेन कायमा सपोर्टिंग टिश्यू है जो ब्रांच वगैरह होती है प्लांट की वहाँ ये प्रेजेंट होता है और स्केल कायमा ये प्लांट को क्या बनाता है रिजिड बनाता है जैसे कोकोनट फाइबर में ये स्केल कामा टिश्यू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज एपिकल मेरी स्टेम फाउंड तो एपिकल मेरी स्टेम है यह कहाँ पर प्रजेंट होता है तो so, एपिकल का मीनिंग होता है टिप पार्ट जो प्लांट का जो टिप पार्ट है वहाँ पर एपिकल मेरी स्टेम प्रजेंट होगा और मेरी स्टेम टिश्यू है ये क्या कराता है प्लांट की ग्रोथ कराता है तो एपिकल मेरी स्टेम इज प्रजेंट एट द ग्रोविंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स दियर मेन फंक्शन इट टू इनिशिएट ग्रोथ यानी ग्रोथ को स्टार्ट स्टार्ट करना होता है मेरी स्टेम टिश्यू का फंक्शन इन न्यू सेल्स ऑफ सीडलिंग्स एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स रूट तो प्लांट का जो ग्राउंड में जो पार्ट है वो है और शूट्स जो ग्राउंड से ऊपर है अर्थ लेयर से ऊपर का पार्ट है प्लांट का विच टिश्यू मेकअप द हसक कोकोनट तो अभी मैंने ऊपर बताया है जो तो स्केलन कायमा है वो क्या बनाता है कोकोनट की फाइबर बनाता है हसक बनाता है, है कोकोनट की वॉट आर द कंस्टिट्यूट ऑफ फ्लोइम पलोइम के कौन कौन से कंस्टिट्यूट है तो इसके फोर कंस्टिट्यूट है फलोइम के पहला है शिव ट्यूबस कंपनियन सेल्स फ्लोइम पेरन कायमा और फलोइम फाइबर्स बुक में तुम्हारी रोंग कर रखा है उसमें फाइव दे रखी है फाइव कंपोनेंट्स दे देर के तो फोर कंपोनेंट है लर्न कर लेना वहां पर ये शिव एक बार तो शिव लिख दिया सीधा और एक बार शिव ट्यूबस लिख दिया दो बना दिया बट इसको मेनली हम मेजर करते हैं सीधा शिव ट्यूब्स देख लिया हाउ मनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टगेदर मेक दिश्यू नेम देर तो इसमें भी फोर टाइप की सेल्स होगी जो जाइलम टिश्यू को बनाएगी जिसमें क्या होती है सबसे पहले ट्रेकिट्स होती है और वेसल्स होती है यानी ये ट्यूबलर स्ट्रक्चर होती है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है और फिर है जाइलम जाइलम और फाइबर्स हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट तो सिंपल टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू से डिफरेंट कैसे है प्लांट में तो सिंपल टिश्यू है ये तो वन टाइप की सेल से बना होगा और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है मोर देन वन टाइप की सेल से बना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन पेरेन कायमा कोलेन कायमा एंड स्केमा ऑन द बेसिस ऑफ दियर सेल वॉल सेल वॉल के आधार पर हमें क्या करना है इनमें डिफरेंस करना है पेरेन कायमा कोलेन कायमा और स्केल कायमा में तो पेरेन कायमा में जो सेल वॉल है वो क्या होती है प्राइमरी होती है इसमें भी क्या होती है प्राइमरी होती है बट इसके स्केमा में जो सेल वॉल है वो सेकेंडरी होती है यानी बाद में बनती है इसमें एक सेल वॉल और बनती है इसमें सेल थिन वॉल्स एंड मेड अप ऑफ है इसमें जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है थिन होती है क्या होती है थिन होती है पेन कायमा में क्योंकि <rewarded> इसका फंक्शन सपोर्ट करना नहीं होता इसका फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना तो इसकी सेल वॉल है वो क्या होती है थिन होती है और सेल से बनी होती है इनको सपोर्ट करना होता है ये प्लांट को सपोर्ट करता है तो इसकी सेल वॉल है वो क्या होगी थिक होगी क्या होगी थिक होगी कॉर्नर पे जो कॉर्नर होंगे इसके कॉर्नर पार्ट पे ये सेल वॉल क्या होगी थिक होगी ड्यू टू प्रोटीन डिपोजिशन वहाँ पर क्या डिपोजिट होगी प्रोटीन डिपोजिट होगी जिसके कारण इनकी सेल वॉल क्या हो जाएगी कॉर्नर पार्ट है वहाँ से थिक हो जाएगी और इसकी जो सेल वॉल है वो क्या होगी वेरी थिक और ज़्यादा थिक हो जाएगी ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन यानी लिग्निन डिपोजिट होने के कारण वॉट आर द फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा इस्टोमेटा का क्या फंक्शन है तो इस्टोमेटा की टू फंक्शन है हमने डिस्कस किया था क्लास में एक तो है इसका फंक्शन गैसेज को एक्सचेंज करना और दूसरा है ट्रांसपायरेशन करना पहले स्टोमेटा होते क्या है वो देख लेते हैं द स्मॉल पोर प्रजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ आर इस्टोमेटा तो एपिडर्मिस लेयर है लीफ की उसके ऊपर इस्मोल पोर प्रजेंट होते है. उन, हैं उन स्मॉल पोर को हम क्या बोलते हैं इस्टोमेटा बोलते हैं क्या बोलते हैं और जो इस्टोमेटा है ये एक टू सेल्स क्या होता है कवर रहता है इनक्लोज रहता है उनको हम क्या बोलते हैं गार्ड सेल बोलते हैं जो किडनी शेप की होती है स्टोमेटा आर इनक्लोज बाई टू किडनी शेप्ड सेल आर कॉल्ड गार्ड सेल्स फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज पर्टिकुलरली सी ओ टू एंड ओटो विथ एटमोसफियर तो इस्टोमेटा है ये क्या करता है सीओ टू और ओटो क्या करता है एक्सचेंज करता है और क्या है? करता है ट्रांसपायरेशन करता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग यानी तुम्हें टिश्यू को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे रीजन दे रखा है कि इस रीजन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा तो स्किन में कौन सा टिश्यू होगा स्टेटिफाइड इसके माउस टिश्यू प्रेजेंट होगा बारेकोप्टर में कौन सा होगा उसमें कोरक प्रजेंट होगा कोरक है? प्रोटेक्टिव टिश्यू बोन में कौन सा होगा कनेक्टिव टिश्यू होगा जो ब्लड और बोन है वो कनेक्टिव टिश्यू है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल में कौन सा होगा क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रजेंट होगा वेस्कुलर बंडल में कौन सा टिश्यू प्रजेंट होगा इनमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या हम इसको बोल सकते हैं कंडक्टिव टिश्यू चाहे तो इसको बोल दो कॉम्प्लेक्स परमाने टिश्यू बोल दो चाहे कंडक्टिव टिश्यू बोल दो और, इसको बोल दो, और दोनों दोनों को साथ मिला के हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द रीजन इन विच पेन का इस तो पेरेन कायमा का मैंने फंक्शन बताया था कि इसका फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना और इसके टू टाइप होते हैं कलोरिन कायमा और एरेन एरेनकाइमा जो क्लोरेन कामा है वो तो लीफ में प्रजेंट होगा जो फोटोसिंथेसिस करेगा और एरेन कायमा जो वाटर प्लांट है उनमें प्रजेंट होगा जो प्लांट को फ्लोट कराएगा वाटर का। में पेरेन कायमा इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ एंजियो स्पर्मिक प्लांट्स इट इज प्रजेंट इन कॉर्टेक्स एंड पीथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स ये किन किन में प्रजेंट होता है कोर्टेक्स और ऑफ स्टेम और रूट का जो पीथ है जो अंदर का जो पार्ट है उनमें प्रजेंट होगा होता है मिडिल पार्ट में फूड को स्टोर करता है और इट इज हो होता, होता है जिसको हम बोलते हैं कलोरिन इट इज कॉल्ड क्लोरिन कामा फाउंड इन ग्रीन लीव्स और जो एरियन कायमा है वो वाटर प्लांट में होगा जो पेरियन कायमा का ही क्या है टाइप है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स तो एपिडर्मिस है प्लाट्स उसका क्या रोल है तो ये क्या है प्रोटेक्टिव टिश्यू है एपिडर्मिस क्या है प्रोटेक्टिव टिश्यू सुबेरिन ये भी क्या करती है सीक्रेट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द कोरक एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू कॉरक जो सेल्स होती है वो कौन सी सेल्स होती है डेड सेल होती है सेल होती है वो डेड सेल होती है द दोरक सेल आर डेड सेल्स एंड डू नॉट हैव है इंटरसेलुलर स्पेस और इनके पास इंटर सेलोर स्पेस भी नहीं होता है द सेल सेलवल ऑफ कॉरक सेल आर कोएटेड विद सुबेरिन से क्या होती है कोएटेड होती है सुबेरिन क्या है वैक्सी सबिस्टेंस है सुबेरिन मेक्स दिस सेल्स इमपर्मीएबल यानी इम्परमीबल बनाता है इनको यानी वाटर और गैस को अंदर या बाहर नहीं जाने देता है इम परमिएबल होता तो आर पार जा सकता था वाटर और पर ये बनाता है प्रोटेक्टिव इन फंक्शन फंक्शन में एक ये क्या होता है प्रोटेक्टिव होता है इट प्रोटेक्ट्स अंडरलाइनिंग टिश्यू फॉर्म डिजिकेशन इनफेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी मैकेनिकल इंजरी और इन्फेक्शन से कोरक प्लांट को क्या करता है बचाता है कंप्लीट द चार्ट कम्प्लीट द फॉलोइंग चार्ट तो इस चार्ट को तुम्हें क्या करना है कंप्लीट करना है तो ये परमानेंट इश्यू के यहाँ पे टाइप पूछ रही है तो परमानेंट के सिंपल और कॉम्प्लेक्स टू टाइप होते हैं सिंपल में तो क्या आता है पेरेन कायमा आता है सबसे पहले पेरेन कायमा उसके बाद में कोलेन कायमा उसके बाद में स्केल कायमा और कॉम्प्लेक्स में क्या आते हैं जाइलम और फलोइम कॉम्प्लेक्स में क्या आते हैं जाइलम और फलोइम तो ये पेरेन कायमा कोलेन कायमा स्केल कायमा जाइलम और फलोइम थैंक यू आज के लिए इतना ही